हेलो एवरीवन, हाउ इज़ यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन, फिट एंड हेल्दी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। सो ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड सम वीडियोज रिगार्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू द परफेक्ट टेंसेस, व्हाट इज परफेक्ट टेंसेस। So without wasting our time, let's start our video. ये friends present perfect tense, ये हमारे present का third type होता है, ठीक है? मतलब present tense के आपको पता है four types होते हैं, तो उसका third type होता है present perfect tense, जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ friends, पूर्ण वर्तमान काल। ओके, परफेक्ट मींस निश्चित, जो काम हो चुका है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो टेंस है, इसमें कैसे सेंटेंसेस आने वाले? परफेक्ट सेंटेंसेस आने वाले। इसका अभी हम लेने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि हमारे सेंटेंस का फर्स्ट टाइप होता है। बात करें स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज हैव V3 फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है यहाँ पर? किसी का भी नेम। वर्ब में यहाँ पर आपको थ्री फॉर्म लगानी है, OBJ आपका है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव का यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, हैज़ कब यूज़ होता है, हैव कब यूज़ होता है। हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बाद, हैव यूज़ होता है आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स के बाद। साथ ही साथ आई के साथ भी आपको हैवी लगाना है, आई हैव। ओके, सो हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज ले लेते हैं जिससे मैं आपको ईजिली समझा पाऊँ। बात करें इंडिकेशन की, क्योंकि प्रेजेंट है तो लास्ट में है देखने को मिलेगा, और क्योंकि परफेक्ट है तो इसमें कोई काम पूर्ण हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं इसमें ज़्यादातर आएगा चुका, चुकी, चुके, ठीक है? चलिए देखते हैं। जैसे मैं स्नान कर चुका हूँ, मतलब वो नहा लिया है। हम घर आ चुके हैं, तुम पैसे खर्च कर चुके हो। सो दीज आर थ्री एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन। बात करें तो देखिए लास्ट में है, हूँ, हो यानी प्रेजेंट टेंस, इसके पहले चुका, चुकी, चुके यानी परफेक्ट टेंस, और इसमें ना तो नहीं है ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये इंट्रोगेटिव है। दैट मीन्स इट इज़ अ फॉर्मेटिव सेंटेंस। बात करें हमें फॉर्मेशन के हिसाब से चलना है, सब्जेक्ट हमारा मे है, आई हैज़ आएगा कि हैव, हैव आई के साथ हैव। नहाना या स्नान करना पूरा एक ही वर्ड है। कुछ लोग क्या करते हैं डू इस करने के लिए लगाएंगे और स्नान के लिए बाथ, डू बाथ, ऐसा नहीं होता है। या तो आप बोलिए आई हैव डन बाथ, वो सही है, लेकिन वैसे स्नान करना एक ही होता है बाथ, उसकी थर्ड फॉर्म होती है बाथड, आई हैव बाथड। हम यानि वी, वी के साथ क्या आएगा, हैव। आना कम, कम की थर्ड फॉर्म कम, कम कैम कम, घर आ चुके हैं, वी हैव कम होम। तुम पैसे खर्च कर चुके हो, तुम यानि यू, हैव खर्च को बोलते हैं स्पेंड, तो स्पेंड हो जाएगा, यू हैव स्पेंड मनी। इस प्रकार से आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर्स की हेल्प से बना सकते हैं। बट परफेक्ट टेंस में एक बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होनी ही चाहिए, बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ मतलब सिंपल वर्ब्स। यदि आपके नॉलेज में है कि इसे क्या बोलते हैं तो कोई मिस्टेक नहीं होगी आपसे, लेकिन यहाँ पर आपको पता भी होना चाहिए कि उसे क्या बोलते हैं, प्लस
आपको उसकी थर्ड फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए। जिन बच्चों को या जिन फ्रेंड्स को नहीं पता है, मैं उन्हें बता देता हूँ कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, वर्ब की 5 फॉर्म्स में ये बेस फॉर्म है वर्ब की, इसको हम प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं। ये पास्ट फॉर्म होती है, ये पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। फोर्थ फॉर्म आपकी होती है जिरंड या ING फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म आपकी होती है सिंगुलर फॉर्म वर्ब की। अब इसको आप ऐसे समझिए, फर्स्ट मान लीजिए हमने लिया ईट, तो ये वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म कौन सी होती है, प्लूरल। सेकेंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, फोर्थ में ING लग जाएगा ईटिंग, और फिफ्थ में सिंगुलर मतलब एस ईट्स। इस टाइप से वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। हमें थर्ड वाला जो फॉर्म है पास्ट या प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका ही यूज़ करना होता है। सो आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट, रिवाइज इट थॉरली, मेक और फ्रेम न्यू सेंटेंसेस बाई टेकिंग अनादर वर्ब्स। आई विल कैच यू ऑन अनादर वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।